मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान संजीव शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में पग पग पर कष्ट है, कष्ट आने का कारण हमारा कर्म है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। उन्होंने कहा कि कष्ट आने पर घबराएं नहीं बल्कि शूरवीरता का बाना पहनकर उन कष्टों से युद्ध करें। जो कष्टों के आगे हार मान लेते हैं कष्ट उनको घेर लेते हैं, जो कष्टों को देख करके मुस्कुरा देते हैं कष्ट पीछे हट जाते हैं। इस दौरान नवजीत भारद्वाज ने यह भी बताया कि प्रत्येक शनिवार को मंदिर परिसर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन यज्ञ शाम 7 बजे से 8 बजे तक किया जाता है। वहीं इस हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर सन्नी अरोड़ा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मुकेश चौधरी, मोहित बहल, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, जसविंदर सिंह, रोहित बहल, बाबा जोशी, गुलशन शर्मा, संजीव, पंकज उपाध्याय, राजेश महाजन, गुरबाज सिंह, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, राजन पठानिया, पंकज, पप्पू, दीपक, बाबा पनीर, प्रवीण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी जी दे दरबार च जो कि गुलमोहर सिटी च स्थित है मां दे इस भव्य मंदिर दे विच आज श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ जिहड़े वीरवारी है वह जारी रही। मैं बहुत ही धन्नवादी हाँ सारे भगतों का, सारे सेवादारां दा, और खासकर मां बगलामुखी धाम के जिहड़े सेवादार सेवा करते रहे हैं और पिछले कई दिनों तो निरंतरता जारी रही। 56 भोग का जिहड़ा प्रोग्राम होया है उस दे विच सारे ने बढ़ चढ़ के शलाघायोग कार्य किया है। कोई भी कला एक बंदा काम नहीं कर सकता, ये सारी साड़ी टीम का जिहड़ा मेहनत है उनके मत्थे दे उत्ते चार चन्न लगे है और ये सफलता का सिरा लगा। मैं महामाई के चरणों करवद प्रार्थना करदा कि इस तरह ही साड़ी सारी टीम बिना किसी लागडाट तो और बिना किसी भी भाव तो निस्वार्थ सेवा जिदा कि करती है उदा ही करती रहे। मैं बारंबार प्रणाम करदा देवी के चरणों च और ये कामना करदा कि सारे साडे सेवादारों अतुलित बल बख्शन और हर पास्यों मेहनत का जिहड़ा इन्हां दे सिट्टा है वह जय जयकार होवे और मां कृपा करे। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि जिहड़ा शनिवार हवन यज्ञ असीं सवेरे करदे सीगे ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਂ।